वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए अभी हम लोग आज डे थर्ड में आ गए हैं और जयपुर जंक्शन से हम लोग निकल रहे हैं जोधपुर के लिए। तो वहाँ से अगर आज पॉसिबल रहा तो कुछ साइट सीइंग भी करेंगे। ये देखिए हमारी ये थोड़ी उदास है, थक गई है, और जो भी हमारी जर्नी रहेगी हम उसको दिखाएंगे आपको। हाँ डेफिनेटली। और हम लोग वेट कर रहे हैं हमारी ट्रेन का जो जोधपुर जाएगी, ट्रेन का नाम है रानीखेत। हमारे बंधु लोग बहुत थक गए हैं। ओ भाई हाँ थक गए कि नहीं? नहीं। हमारी रानीखेत एक्सप्रेस आ गई है। हमने ट्रेन में चढ़ गए हैं और हमारी ट्रेन जा रही है जोधपुर के लिए। जैसलमेर भी जा सकते हैं लेकिन हम पूरा जोधपुर ही जा रहे हैं। वैसे पराठा भी आया है, वो आपके सामने खोलेंगे। हम लोग खा रहे हैं नीलम होटल से आलू के पराठे आए हुए हैं और अभी खोल के देखते हैं कि कैसा टेस्ट है। आलू के पराठे टेस्ट ठीक है, गर्म भी है पैकिंग के हिसाब से और अच्छा है। ये सर्विस ये बाहर के कोई होटल वाला जो है यहाँ सप्लाई करते हैं। हम पहुँचे हैं मारवाड़ जंक्शन पे और तकरीबन 2:30 बज गए हैं। तकरीबन 4:45 बज गए, पहुंच गए जोधपुर रेलवे स्टेशन। देखिए ये राजस्थान का बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन है जोधपुर है। अभी यहाँ से हम अपने होटल के लिए जाएंगे, कौन सा होटल है हमको पता नहीं है। अपने होटल के रूम देख रहे हैं, हम लोग ये प्री बुकिंग नहीं किए थे इसीलिए हम लोग थोड़ा घूम भी रहे हैं और नंबर ऑफ होटल भी देख रहे हैं। हमने एक सिटी पैलेस होटल देखा, अभी हम लोग आए हैं हवेली में। ये भी एक होटल है, हेरिटेज होटल है। देखिए यहाँ है हेरिटेज कुचामन हवेली। चलिए देखते हैं क्या यहाँ का रेट वगैरह है और रूम्स कैसे हैं। ये अभी हवेली के अंदर का, ये हवेली होटल में इनसाइड व्यू आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अभी यहाँ होटल में तो जगह खाली नहीं है फिर भी हम देख रहे हैं। हम लोग जोधपुर के होटल सिटी पैलेस में आ गए हैं और हमने अपना कमरा भी बुक करवा लिया है और ये 4th फ्लोर पे यहाँ से और मेन मार्केट में है। इसको नई सड़क बोलते हैं और यहाँ से घंटाघर क्लॉक टावर सामने ही है। देखिए ये मानव और सृष्टि और अच्छा बाथरूम भी है। बाथरूम देखिए ये और ये है मेरा रूम। मैडम यहाँ बात कर रहे हैं आपने से, ये भी पूरा फर्स्ट क्लास एकदम वेल प्रॉपर है। एक मतलब थोड़े दिन के लिए रहने के लिए, थोड़े वक्त के रहने के लिए बहुत अच्छा है ये। और स्पेशली ये एक रूम का किराया है 2000 रुपया है और दो रूम का किराया 4000 रुपया फॉर वन डे या वन नाइट उसके हिसाब से है। शाम के वक्त हम लोग जोधपुर मार्केट में ही घूम रहे हैं और यहाँ भूख लगी है कुछ, तो शाही समोसा आए हैं, शाही समोसा खाएंगे आपको भी दिखाएंगे। चाट खाएंगे, चाट खाने का मूड है, समोसा खाने का मूड नहीं है। चाट बना रहे हैं चाट वाले। देखिए हमारा ये चाट बन के खाया, हमने टेस्ट तो कर लिया है हाँ, लेकिन है अच्छा है, जैसा नाम है वैसे है। चाट तो चाट ही रहती है भाई। एंटर कर रहे हैं सरदार मार्केट में। सरदार मार्केट में पहुंच गए, ये रात का वक्त है और कल दिन में भी आएंगे तो अपने को ऊपर जाने का शायद टिकट लगता है, सुनने में आया है। तो वहाँ पर भी जाके हम जोधपुर शहर भी देख सकते हैं।
फेमस घंटाघर है, इसको क्लॉक टावर और घंटाघर दोनों कहते हैं। और अभी रात की रोशनी में इसकी रोशनी भी होती है, त्योहारों के वक्त अभी रोशनी है नहीं। और ये यहाँ के महाराजा सरदार सिंह ने जो बनाया था इनको, और इसी के नाम पर यह पूरा सरदार मार्केट भी रखा गया है। अभी हम लोग रुके हैं एक माखनिया लस्सी, एक है लस्सी सेंटर है, ये फेमस लस्सी शॉप है, और माखनिया लस्सी है और कुल्लड़ लस्सी, हमने कुल्लड़ लस्सी मंगाए हैं। उन्होंने लेके आ गया है माखनिया और ये कुल्लड़ लस्सी है। टेस्ट कैसा है ये मानो ही लेके बताएंगे। कैसा लगा टेस्ट? हाँ ठीक है, तभी तो भीड़ है भाई। अभी टेस्ट कर रहा हूँ मैं भी, देखता हूँ कैसा है ये। ठीक है, ड्राई फ्रूट भी डाला हुआ है। ठीक है, लस्सी जैसे लस्सी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए हम लोग अभी लेदर शॉप में हैं, द सन साइन जूती एंड लेदर बैग है। अभी हमने क्या लिया है, देखिए वॉलेट है, देखिए मानव के लिए वॉलेट है, हमारे दोस्त के लिए वॉलेट है, और तीसरा ये मेरा फेमस काउबॉय का। अभी बस वो बिस्तर रखने की ज़रूरत है।